क्या आप भी अपने व्यवसाय से परेशान हैं? क्या आपका व्यवसाय में बहुत सारी अड़चने आ रही है? क्या आपके काम धंधे में भी आपका पैसा फंसा हुआ है? यदि हाँ, तो आप सही जगह आए हुए हैं। आज हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में हम लोग अपने व्यवसाय को कैसे देखते हैं। हमारे प्यारे दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम, जय माता दी। आज का जो विषय है शनि ग्रह और आपका व्यवसाय, किस प्रकार हम अपनी कुंडली में देखें कि शनि महाराज शनि ग्रह हमारे व्यवसाय को बताते हैं और हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। अगर शनि ग्रह हमारे कुंडली में यदि शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो आप लोग अच्छी तरह से ये चीज जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इस बारे में बहुत सारे सूत्र यहाँ पर दिए गए हुए हैं। उन्हीं में से कुछ सूत्र आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नीचे लाल बटन है वो सब्सक्राइब का है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास समय से मिल जाया करेगी। साथ में हमारे चैनल के माध्यम से हमने विवाह योग, विदेश योग, संतान योग, सरकारी नौकरी का योग इत्यादि के वीडियो भी अपलोड किया हुआ हूं। कृपया आप उन्हें देखें और देखकर लाभान्वित हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने अपने जीवन में शनि के बारे में अनेक बातें जरूर सुनी होगी, खासकर ज्योतिष के मुख से, कि शनि के कारण आपको ये परेशानियां आ रही हैं, शनि के कारण आपको ये अड़चने आ रही हैं, आप ये उपाय करें। लेकिन अगर हम व्यवसाय करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह लेकर काम धंधे को शुरू करें तो धन एवं समय की बर्बादी से बचा जा सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और हम शनि की कुछ स्थितियां आपके कुंडली में बताएंगे कि किस प्रकार यदि हमारी शनि यदि इस भाव में हो तो आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। इन्हीं में से निम्नलिखित कुछ स्थितियां मैं आपको आगे बताना जा रहा हूं। जय माता दी दोस्तों, मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का फिर से एक बार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ शनि आत्मकारक ग्रह है। आखिर हमारे कुंडली में शनि कब आत्मकारक ग्रह होते हैं? यदि हम अपनी कुंडली को देखते हैं, यदि हमारी कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री सबसे ज्यादा अंशों पर होता है उसे हम लोग आत्मकारक ग्रह कहते हैं। उसी प्रकार शनि को अशुभकारी ग्रह भी कहा गया है दोस्तों। साथ में शनि को सप्तम भाव अर्थात सदी शनि को सप्तम घर जो हमारी काल पुरुष कुंडली में होती है उसमें उसे दिशा बली कहा गया है, क्योंकि पश्चिम दिशा कहलाती तो शनि हमेशा पश्चिम दिशा में बलवान होते हैं। साथ में शनि को काल पुरुष कुंडली में आठवें घर, दसवें घर और बारहवें घर का कारक भी कहा गया है। आठवें घर हमारे आयु को कहलाता है, दसवां घर हमारे कर्म को बताता है और बारहवां घर हमारे व्यय को बताता है, हमारे खर्चे को बताता है, हमारे मोक्ष को बताता है दोस्तों। और हमारे काल पुरुष कुंडली में दसवां नंबर और ग्यारहवां नंबर ये हमारे मकर राशि की नंबर कहलाते, ये हमारे कुंभ राशि इसके ये स्वामी कहलाते हैं। साथ में यदि हमारे काल पुरुष कुंडली में देखा जाए तो शनि तुला राशि अर्थात सातवें नंबर पर यदि 20 अंशों में रहे तो वहां उच्च के कहलाते हैं। उसी प्रकार यदि मेष राशि अर्थात आपको एक नंबर की यदि राशि रहे वहां 20 डिग्री के रहते हैं शनि तो वो नीच के कहलाते हैं। शनि महाराज उच्च राशि में स्व राशि में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं।
साथ में यदि शनि महाराज यदि स्वराशि या उच्च राशि केंद्र में स्थित होते हैं तो वो सस्य योग नाम के एक योग को निर्मित करते हैं जो पंच महापुरुष योग में से सबसे अच्छा योग कहलाता है दोस्तों। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ इनके व्यवसाय के बारे में। यदि शनि ग्रह को हमारे पुराणों में हमारे धर्मों में हमारे ज्योतिष शास्त्र में पत्थर माना गया है दोस्तों, यदि इस ग्रह का सप्तम भाव से सीधा संबंध यदि हो जाता है तो यह ग्रह पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है। यदि शनि लग्न से या लग्नेश से किसी प्रकार प्रभावित हो या प्रभाव बनाता है तो वैसे व्यक्ति सड़क बनाने का कार्य या आपको पत्थर ढोलाने का कार्य आपको हो गया सप्लाई करने के आदि पत्थर के कार्य द्वारा यह अपना जीवन यापन ऐसे व्यक्ति करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हमारे पुराणों में हमारे ग्रंथों में शनि महाराज को अधोमुखी ग्रह कहा जाता है। अतः पृथ्वी के अंदर मिलने वाले वैसे पदार्थ जैसे लोहा कोयला पेट्रोलियम भूमिगत तेल के कारक होते हैं। जब शनि चतुर्थेश होकर इस धंधे को देता है परिचालन होता है तो इस पदार्थ से धन का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है। तो चतुर्थेश की इस दृष्टि में यदि हमारे चौथे घर में दसवां नंबर या ग्यारहवां नंबर लिखा हो अर्थात चौथे घर में हमारी मकर राशि हो या कुंभ राशि हो और शनि महाराज चौथे घर में विराजमान है तो हमारे लोहे के धंधे व्यवसाय कोयले के व्यवसाय पेट्रोलियम के व्यवसाय भूमिगत तेल के व्यवसाय इत्यादि को जो कार्यकत हमारे शनि महाराज के पास है यदि हम उनका व्यवसाय करते हैं उनका काम धंधा करते हैं तो हमें उनसे धन की प्राप्ति होगी धन अर्जित कर सकेंगे। साथ में शनि महाराज को रोग से भी संबंधित कहा जाता है तो अर्थात हम लोग डॉक्टर और वैद्य को भी शनि से ही देखा जाता है। जब शनि सूर्य राहु आदि के साथ होकर इस धंधे को प्रभावित करे तो व्यक्ति डॉक्टर वैद्य या मेडिकल फील्ड से आदि से अपने जीवन यापन करता है दोस्तों। शनि को मृत्यु का कारक भी कहा जाता है क्योंकि शनि आठवें भाव के कारकत हैं। ये हमारे मृत्यु को भी दिखाता है दोस्तों। इनका संबंध घनिष्ठ रहता है मृत्यु से। अतः मृत शरीर से प्राप्त होने वाले जो चमड़े शनि के अधिपत्य में आते हैं जब शनि अष्टमेश या तृतीयेश होता है तो इस धंधे का ये गोतक होते हैं तो वैसे व्यक्ति को चमड़े का जूते प्लास्टिक रबर पीवीसी टायर रैक्सिन फोम आदि द्वारा आजीविका देता है। उसी प्रकार शनि भूमि क्षेत्र के भी कारक होते हैं। जब शनि चतुर्थे होकर धंधे का कारक बनता है तो व्यक्ति को कृषि या कृषि संबंधी सामानों की बिक्री से धन का लाभ होता है। साथ ही कृषि विशेषज्ञ नेता नायक श्रमिक लीडर नेता आदि का योग भी बना देता है। उसी प्रकार शनि को लोहा कहा जाता है। शनि लोहा होता है। जब शनि हमारे तृतीय चतुर्थेत हो तो वाहन की लौह पटरी बन होता है अतः रेलवे का प्रतिनिधित्व होता है। शनि यदि बलवान हो और साथ में यदि उनका पंचम घर से किसी प्रकार संबंध हो कि वो विद्या प्राप्त करते हैं और साथ में यदि शनि मंगल से प्रभावित हो तो ऐसा शनि ऐसा व्यक्ति यंत्र बनाने वाला मशीनरी बनाने वाला इंजीनियर होता है जिसका संबंध बिजली से होता है। यदि शनि का मंगल से किसी प्रकार संबंध ना हो और बुध से संबंध स्थापित हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर होता है। उसी प्रकार शनि को मैंने पहले भी कहा था पत्थर होता है। यदि यह सप्तमेश यदि शनि हमारे सप्तमेश होकर तथा शुक्र से संबंधित हो या प्रभावित हो तो व्यक्ति पत्थर की मूर्तियों के काम से धन प्राप्त करता है। साथ ही विविध संभागीय ठेकेदारी कार्य का भी कारक होता है दोस्तों।
इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी कुंडली दिखाकर बताकर ही कोई उचित व्यवसाय करना चाहिए। इससे व्यक्ति को उन्नति तो मिलती ही है, साथ में धन और समय की बर्बादी करने से भी बचा जा सकता है। और जो लोग बिना कुंडली बताए ही कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं तो उससे हानि होना शुरू हो जाती है और समय भी बर्बाद हो जाता है, पैसे उलझ जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं, फिर व्यक्ति बहुत परेशान हैरान हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष को बताकर ही अपने कारोबार, अपने व्यवसाय, अपने काम धंधे को शुरू करना चाहिए। दोस्तों, हमें आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा काम धंधे के सिलसिले में। सस योग के बारे में बताना चाहूंगा कि किस किस घर में यदि शनि, किस किस लग्न में शनि सस योग बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में लाइक और शेयर करना कदापि ना भूलें। दोस्तों जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।